अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं एक और नई रेसिपी जो चिकन की है। इसका नाम है लजीज भुना चिकन। चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए देखते हैं लजीज भुना चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने चिकन लिया है और ये तकरीबन जो है मैंने 1.25 किलो लिया था। इसे वॉश करके क्लीन करके इस तरह से इसके बड़े बड़े पीसेस जो है मैंने वो छोड़ दिए हैं। ये बड़े पीसेस में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इसके अलावा जो मुझे चीज़ें लगेंगी वो हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैंने अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया है और लहसुन का 2 चम्मच लिया है, यानी 1:2 का रेशो है। और साथ में मैंने जो है 2 बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसकी प्यूरी बना लिया है, 2 बड़े साइज़ का अनियन लिया था जिसे इस तरह से शाखों में काट लिया मैंने। साथ में लगेंगे मुझे कोथमीर सजावट के लिए। कुछ खड़े मसाले लगेंगे इसमें जो है 2 बेलीव है यानी कि 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 साबुत लाल मिर्चें डंठल के साथ और 1 इंच की दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 काली मिर्च है और 1/2 चम्मच जो है जीरा है। ये खड़े मसाले तेल में डालेंगे। उसके अलावा कुछ मसाले लगेंगे जिसमें नमक है 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच, जीरा पाउडर है 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच यानी कि 1/4, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, लाल मिर्चें 1 चम्मच मैंने ली है क्योंकि मैंने हरी मिर्चें बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा करिएगा। और गरम मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच और इसके अलावा लगेगा मुझे तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए मैंने तेल ले लिया है और तेल जो है मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें जो है मैं मसाले डाल दूँगी। मसाले जो है हमारे तड़कने लगे हैं। मसाले जो है जैसे ही डालो उसका जो एक अरोमा होता है, फ्लेवर जो होता है वो फौरन से मसालों में आ जाता है, तो वो हम लोग आने तक का थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इस फ्लेवर पे जो है मैं इसी में डाल दूंगी प्याज हमारे जो कटे हुए हैं वो, और इसे अच्छी तरह से गलने तक और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन होने तक जो है मैं इसे भून लूँगी। चलिए इसे भूनते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए प्याज जो है ये अब गलना शुरू हो गए हैं और हल्का जो है ये गोल्डन भी हो गए हैं, आप लोग तो जिस तरह से देख सकते हैं। अब जो है इस लेवल पे मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में डाल दूंगी मैं नमक। बाकी तमाम मसाले जो हैं हम लोग बाद में डालेंगे और इसे जो है थोड़ा इसकी रॉनेस निकलने तक, बस 1 मिनट तक के लिए हम लोग इसे भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन के पीसेस। और इसे जो है हम लोग पहले तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए बना लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो सके। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए इसे भून लेते हैं। फिर देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे इसे भूनते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और मसाला जो है वो तेल भी अब छोड़ने लगा है। अब इस लेवल पर जो है मैं आज कर लूँगी अपनी स्लो और इसमें जो है टमाटर प्यूरी और तमाम जो मसाले हैं वो डाल लूँगी। टमाटर जो है वो अपना फ्लेवर छोड़ेगा और नमक की वजह से जो है चिकन भी अपना थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो इसे जो है अभी हम लोग 1 से 2 मिनट के लिए पहले धीमी आंच पे बनाएंगे, फिर इसका जब पानी छोड़ देगा तो पानी सुखाने तक हम लोग जो है इसे भून लेंगे। तो चलिए इसे जो है मैं 5 से 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मुझे जो है इसे पकाते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं और चिकन भी काफ़ी टेंडर हो गया है। इसमें जो पानी है वो अभी भी थोड़ा है, तो चलिए इसे पानी खुश करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन जो है हमारे हो गए हैं, काफ़ी टेंडर भी हो गया है ये और इसका पानी जो है तमाम के तमाम खुश्क हो गया है। और अब इस लेवल पे जो है मैं इसको धनिया पत्ती से जो है गार्निश कर लूँगी और चलिए इसे डिश आउट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी लजीज चिकन भुना चिकन। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।